भारत के सामने चूर चूर हो गया पाकिस्तान का घमंड। कुलदीप यादव के कहर से कांप गई बाबर की सेना। कोई हुआ बोल्ड तो किसी ने थमाया कैच। कुलदीप के सामने कोई नहीं टिक सका। अकेले कुलदीप ने पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। बोलिए बागेश्वर बाबा की जय। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर कर दिया। एशिया कप 2023 के सुपर चार राउंड में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की पिक्चर सुपर हिट रही। बल्ले से केएल राहुल और विराट कोहली ने जमकर तांडव मचाया। वहीं कुलदीप यादव ने गेंद से कहर बरपाया और अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना जिसमें पड़ोसी मुल्क के बल्लेबाज बुरी तरह से उलझ कर रह गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट की अपनी सबसे बड़ी जीत का स्वाद चखा और बाबर आजम की कंपनी को 228 रन से रौंद दिया। आपको बता दें कि 357 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम को कुलदीप यादव ने अकेले ही ढेर कर दिया। गेंद से जमकर कहर बरपाया। कुलदीप की फिरकी के आगे पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने बेहद आसानी से घुटने टेक दिए। कुलदीप के जादुई स्पेल ने मैच को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया और टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर मोहर लगा दी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें कुलदीप यादव बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अब लोग यही तस्वीर देखकर बोल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद के बाद कुलदीप यादव ने पाकिस्तानियों की बैंड बजा दी। जैसे एक यूजर ने लिखा, बाबा बागेश्वर धाम महाराज की जय। कुलदीप यादव का गजब का परफॉर्मेंस रहा। जब से कुलदीप यादव बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के शरण में गए तब से इनकी किस्मत का पहिया दौड़ने लगा है। इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, बागेश्वर धाम बाबा के शरण में जो कोई आता है बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर कुलदीप के इस परफॉर्मेंस को बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जोड़कर देखने लगे। ऐसे में कुलदीप के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने बेहद खतरनाक गेंदबाजी करके पूरी पाकिस्तान टीम को धराशायी कर दिया। टीम इंडिया को 228 रनों से जीत दिला दी। 8 ओवर गेंदबाजी की कुलदीप ने और 25 रन दिए। पाकिस्तान के 8 विकेट गिरे जिसमें 5 विकेट कुलदीप ने लिए। हारिस रऊफ और नसीम शाह चोट की वजह से खेलने नहीं आए। फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, आगा सलमान, शादाब खान और फहीम अशरफ का विकेट कुलदीप ने लिया। कुलदीप का ये परफॉर्मेंस देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया वो काबिले तारीफ और बेहतरीन रहा। यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम 357 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 104 रनों पर ही ढेर हो गई और टीम इंडिया को 228 रनों से बड़ी जीत मिल गई। वहीं इससे पहले बल्लेबाजी में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक लगाकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इसके बाद विराट कोहली और लंबे वक्त बाद वापसी कर रहे केएल राहुल ने दमदार शतक ठोककर भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। विराट कोहली के बल्ले से नाबाद 122 रन निकले और केएल राहुल ने नाबाद 111 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 58 तो शुभमन गिल ने भी 58 रन बनाए। यानी टीम इंडिया ने एक साथ मिलकर बेहतरीन खेल दिखाया और पाकिस्तान टीम को पटक कर मार दिया। ऐसे में कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी देखने के बाद आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।